टोहाना के खंड कार्यालय में खंड के ग्राम सरपंचों ने एक सामूहिक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पंचायती राज में कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता नरेश के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। वो इस प्रस्ताव में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि टोहाना में कार्यरत नरेश कनिष्ठ अभियंता की कार्यप्रणाली बेहद खराब है। ये कनिष्ठ अभियंता सभी विकास कार्यों की पैमाइश पुस्तिका भरने की आवाज में रिश्वत की मांग करता है और सभी सरपंचों से दुर्व्यवहार करता है। प्रस्ताव पारित में ये भी लिखा गया है कि कुछ समय पहले इसका तबादला चंडीगढ़ हुआ था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद इसने वहां पहुंचकर दोबारा से टोहाना में एक काम करने लगा। वो अपने आप को यहां पंचायती राज का मालिक समझता है और सरेआम कहता है कि मेरी पहुंच ऊपर तक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए इसका तबादला काफी दूर किया जाए, नहीं तो खंड टोहाना के सभी सरपंच अपने पद से सामूहिक त्याग पत्र देंगे। इसके बारे में टोहाना खंड के सरपंच एसोसिएशन प्रधान सिमरजीत ने कहा कि सभी सरपंच जई नरेश की कार्यप्रणाली से परेशान हैं, क्योंकि ये सरपंचों से विकास कार्य की आवाज में पैसे की मांग करता है, जो कि नाजायज है। इसकी वजह से गांव के काफी विकास कार्य प्रभावित है। वहीं सरपंच भी इसकी वजह से परेशानी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि या तो इस जई का ट्रांसफर करवा दिया जाए, नहीं तो वो सामूहिक त्याग पत्र देंगे और अपने आने वाले समय में वो अपनी मांग को लेकर टोहाना विधायक देवेंद्र सिंह बबली, चेयरमैन सुभाष बराला और जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह से भी मिलेंगे। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, हमारी एसोसिएशन जिंदाबाद, हमारी एसोसिएशन जिंदाबाद। मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है, प्रधान सरपंच एसोसिएशन टोहाना। आज हमारी एक सरपंच एसोसिएशन की सारी की ब्लॉक के अंदर हमने एक मीटिंग ली है, जिसके ऊपर विचार विमर्श किया है। कुछ सरपंचों की हमारी शिकायत थी, यहाँ पे एक नरेश नाम का जई तैनात है, तो वो सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार करता है, कोई काम नहीं करता, हर बात के ऊपर अटिका लगाता है। तो इसी कारण से आज सारे सरपंच यहाँ इकट्ठे होके और उनके यहाँ से उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। तो उसने पैसे वगैरह मांगे आपसे? वो सब कुछ करता है जी, काम ही नहीं करता, आप बिना उसके कोई उससे कुछ नहीं करवा सकते आप। तो कितने समय से ये दिक्कत आ रही है? उनकी पहले भी हमने शिकायत की थी, बदली हुई थी, लेकिन वो अपना कहता जी मेरा रसूख बहुत है, मेरी पहुँच बहुत है, तो वहाँ से वो फिर दोबारा अपनी बदली करवा के फिर टोहाना आ गया दोबारा। पैसे की डिमांड करता है कि नहीं करता? पैसे की डिमांड भी करता है, जो काम नहीं करता तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो रहता ही है। तो उसकी पहले आपने कहां शिकायत की है? पहले तो हमने बराला साहब को भी की थी, उस टाइम उनकी बदली होगी थी, यहाँ से चंडीगढ़ हुई तो अब फिर दोबारा बदली हुई थी, तो वहां से फिर वो करवा के वापस आ गया, कहता मेरी वाहन चलती है, मैं कहता मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये हमारे सरपंच साथी हैं, इनको इनसे बात हुई थी तो इन ये अपनी सारी बात रखेंगे, आपके सामने बताते हैं अभी क्या क्या। आज कितने सरपंच यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आपने क्या प्रस्ताव पारित किया? सारे टोटल ब्लॉक के सभी सरपंच हैं, कोई एक दो किसी कारण से बाहर हैं, लेकिन हमने यही मांग रखी है अभी इसको इसकी यहाँ से बदली की जाए बस। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा।